सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की स्टूडियो में आप लोग को बताऊंगा कि ओरिजिनल आधार कार्ड आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट आप लोग को सिंपली एक वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं इस पे, आप लोग को इसको आप लोग ओपन करना है गूगल पे। तो जस्ट सिंपली आप लोग को एक पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट आप लोग देख सकते हैं कि लैंग्वेज प्रेफर करने के लिए, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सेट करके आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट न्यू पेज ओपन होगा, तो देख सकते हैं ऐसा न्यू पेज ओपन होगा। तो जस्ट यहाँ पे आप लोग को यहाँ उस कॉर्नर पर दिख रहा होगा माई आधार, तो हम लोग को उस पर क्लिक कर देना है। जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो जस्ट यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड आधार क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। जस्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या सिंपली हम लोग को लॉगिन तो नहीं करना है, तो जस्ट हम लोग को नीचे यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड आधार का ऑप्शन, तो जस्ट हम लोग इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली नया पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हम लोग को तीन चीज़ें प्रेफर कर रहा है, आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। इन तीनों में से किसी एक को यहाँ पे भर देना है, फिलअप कर देना है। तो जस्ट हम लोग आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड जो नंबर होता है उसको हम लोग फिलअप कर देंगे। जस्ट वहाँ पे कैप्चा फिलअप करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जस्ट सिंपली क्लिक करने के बाद आप लोग आगे देख सकते हैं कि कुछ ओपन हो गया। तो जस्ट आप लोग देख सकते हैं कि ओटीपी आ गया है हमारे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक लिखा है डू यू वांट अ मास्क्ड आधार। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग टिक कर देते हैं तो जो आधार कार्ड नंबर होता है वो आपका हिडन हो जाएगा, लेकिन वर्चुअल आईडी जो है वो दिखाई देगी। और लेकिन अनटिक कर देंगे तो क्या होगा कि आप लोग का आधार कार्ड नंबर दिखेगा, क्योंकि सिंपली हम लोग इस वीडियो में ओरिजिनल आधार कार्ड डाउनलोड करना है। तो हम लोग अनटिक कर देंगे, अनटिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट सिंपली हम लोग इसको अनटिक कर देते हैं। जस्ट अनटिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कंग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। तो हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो इसका पासवर्ड ये होता है कि आपके नेम का 4 डिजिट और आपका ईयर, इन मतलब 8 करेक्टर का होता है, 4 आप लोग का लेटर हो गया स्टार्टिंग के और ईयर। तो जस्ट यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके हम लोग पीडीएफ को ओपन करते हैं। ये हम लोग का पासवर्ड होता है, आप लोग सिंपली देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे हम मेरा ओपन हो चुका है दोस्तों, तो आप लोग यहां से प्रिंट कर सकते हैं और सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।